वेदांता ईएसएल स्टील प्लांट में धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन आज है। धारा 144 यहां पर लागू है और त्रिपक्षीय वार्ता की भी बात सामने आई है। सहमति बनने के बाद ही जाम हटने की संभावना यहां जताई गई है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और मासस के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अरूप चटर्जी और प्लांट प्रबंधक और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ही वार्ता होगी। आपको बता दें कि वेदांता ईएसएल स्टील प्लांट में कल हुए सुरक्षाकर्मी और जेबीकेएसएस और युवा संग्राम समिति के बैनर तले हो रहे धरना प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए और लाठीचार्ज और पत्थरबाजी जमकर हुई, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। टोपी प्रभारी गुड़िया ललन रविदास का सिर फूट गया था, जिसे क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए यहां धारा 144 लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सहमति बन पाती है या नहीं। का जो इन लोग का मांग था, तो उस मांग पर फिर विचार करने के लिए जिला के तरफ से एक एलआरडीसी साहब को ये किया गया है और नामित किया गया है, और हम इनवाइट करने के लिए इनको आए हुए थे कि आप लोग आइए 5-7 आदमी का को लेकर के, और प्लांट के अंदर में बातचीत होगा और वार्ता से ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो उसके बाद इन लोग लिस्ट अपना दिए हैं, 15-16 आदमी का लिस्ट है, और अभी जाएंगे हम लोग प्लांट में चल करके बात करेंगे। प्रशासन यहाँ पर आई है जो वार्ता के लिए, और ये लोग एक डेलीगेशन 7 आदमी या 10 आदमी का करके वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद जो भी निर्णय होगी, हम समझते हैं जो आगे के दिन सभी लोग इकट्ठा मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। पहले का जो इन लोग का मांग, हर्ष रीजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी बर्थडे मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। बोकारो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी सतीश कुमार अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इस बीच चोरों ने गेट के मुख्य दरवाजा के साथ साथ घर के ताले तोड़े और लगभग 10 लाख के गहने ले उड़े। पड़ोसी ने खबर दी, जिसके बाद आनन फानन में सतीश कुमार बोकारो आए, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड के साथ फिंगरप्रिंट टेक्नीशियन के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। अभी पता चला है कि सतीश कुमार हमारे जो मैनेजर हैं कोकोवन में, जो 4A1053 में रहते हैं, जो घर टॉप फ्लोर पर है, वो 2 दिन के लिए घर गए हुए थे। अचानक इनको घर से कॉल आया और इमरजेंसी में इनको घर जाना पड़ा। जाने के बाद जब आते हैं तो देखते हैं कि इनका सारा मेन डोर से लेके सारे लॉक्स तोड़े हुए हैं। बड़ा विडम्बना है कि सीढ़ी का दरवाज़ा से लेते हुए ऊपर तक के सारे डोर्स करीब करीब 6-7 लॉक तोड़ करके चोर अंदर घुसे हैं, सारे अलमीरा को बर्बाद कर दिए, और एक एक सामान को बड़ा फुर्सत के क्षणों में उन्होंने एक एक सामान को निकाल करके और चोरी किए हैं। कितने की चोरी हुई सर? चोरी आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।